भाजपा के दिग्गज नेता और जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद की है। प्रीतपाल पर 2014 से 2020 के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष रहते हुए लगभग 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंदन को सोमवार को दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने उनके संतराबाड़ी निवास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद थाना लाकर प्रीतपाल बेलचंदन का दुर्ग सिटी कोतवाली द्वारा न्यायालय में पेश करने के पहले डॉक्टर मुलाहिजा कराने ले जाया गया। तब उन्हें मीडिया ने घेर लिया और उनसे कुछ सवाल दागना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। आप बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? चलो न्यायालयीन प्रक्रिया निपटने दो, उसके बाद बोलेंगे। इसमें कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। महाराज पीछे आ जा भैया, एक बाइट लेना नीचे, कुछ बोल दो ना। देख कक्ष दिखा दे, कक्ष कक्ष दिखा दे, सामने मत जाओ पंडा जी, सामने मत जाओ पंडा जी, रुक जाओ बस। बताना चाहते हैं, प्रीतपाल बेलचंदन लगातार 20 वर्षों तक दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उस दौरान उन पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप भी लगता रहा है। अब उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। चुनावी वर्ष में उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति का माहौल भी गर्म सा होने लगा है। 2008 में भाजपा के टिकट से उन्होंने दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ा था, वे महज 1500 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार भी दुर्ग ग्रामीण में बीजेपी से कड़ी दावेदारी मानी जा रही थी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी ने उनके शुभचिंतकों व पार्टी को सकते में डाल दिया है। गौरतलब है कि बेलचंदन पर 2014 से 2020 के बीच दुर्ग जिला केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहते हुए अपने प्रभाव का प्रयोग कर करोड़ों रुपए के हेर फेर का आरोप है। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को लाभ दिलवाया था, जिसमें FIR दर्ज भी हुई थी। इसके बाद वह फरार भी चल रहे थे और जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज सुबह दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें आखिर उनके घर से गिरफ्तार कर ही लिया। बीच में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसमें उस समय के जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे जिला सहकारी, उनके अगेंस्ट कुछ अनियमितता की शिकायत थी, तो ये जांच कमेटी बैठी थी। जांच कमेटी ने 4-5 बिंदुओं पे जांच की थी और शिकायत को सही पाया था, तो उसके बेस पे एक FIR दर्ज किया गया था। FIR कुछ समय के बाद माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था, उसको स्टे उसमें मिल गया था। स्टे वेकेट अभी फिलहाल ही रिसेंटली हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिया था कि तत्काल इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करके चालान पेश किया जाए। इसी के तहत आज जो मुख्य इसमें आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद फिर अब चालान की प्रक्रिया भी आगे जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।